हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक है और सुबह सुबह गुड़गांव की गुड मॉर्निंग। और मैं एक बार तो मैं नहा चुकी बच्चे जाने से पहले, क्योंकि मैं नाज निकाली अपनी मावस घर पे, मैंने नहीं निकाली थी, मैंने सोचा कि इधर आने के बाद निकालूँ, तो इसलिए मावस निकाल दी है और बच्चे स्कूल भी भेज दिए हैं और हमने जूस भी पी लिया है। रफू जी देख रहा है टीवी और मैं कर रही हूँ काम। मेरे एक रूम और एक गैरेज कंप्लीट हो गया है और रसोई मैंने कंप्लीट कर दी है। हॉल और रूम रह रहा है, ये वाला रूम रह रहा है, मतलब ऊपर का सेट कर दिया, मतलब नीचे की झाड़ू पोछा रह रहा है और ये हॉल भी रह रहा है। रूम का मैंने कर दिया, टीवी चल रहा है वो वाला मैंने कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। गर्मी तो लगती है यहाँ पे भी, पर सुबह सुबह मौसम बिल्कुल ठंडा कर रखा है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, मतलब पतझड़ वाली, मतलब तेज आनी नहीं और मंदी जानी नहीं, तो ऐसी ही बारिश हो रही है। और बालकोनी तो मेरी रात में नहीं हो पाई, तो अब टाइम लगेगा, बालकोनी पूरा टाइम लगेगा। दरवाज़ा भी धोएंगे और कूलर भी साफ़ होगा, बिल्कुल मिट्टी के भरे पड़े हैं। उसके बाद मिलते हैं। काम ख़त्म हो गया था और पूरे दिन से टीवी देख रहे हैं। अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ अब लंच और टीवी चल रहा है, नाटक पे नाटक। मैंने तो देखा सासू बन गई भूख, बहुत अच्छा नाटक। और मैं बना रही फ्रेंड्स, लाइट घर में आ नहीं रही, किचन में इन्वर्टर का नहीं है। शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद वीडियो अपलोड किए मैंने और फिर मैंने 6:30 बजे भिंडी काट ली है। मैं सब्जी बनाऊंगी भिंडी की और चौक लगा रही हूँ, फिर जाऊंगी दूध लेने के लिए। आटा और लगा दो, कितमा के बना दूँगी। बच्चों ने अभी अभी आम खाए हैं तो बच्चों को भूख नहीं है, तो मैं सोची थी पहले मैं दूध लेके आ जाऊँ। इसकी आवाज़ में शायद आपको ना कम आवाज़ आए, मेरी चल रहा है। तो ये तो सब्जी छोकने को ज़रूरी है। मैं आ गई हूँ दूध लेके, अरे बनाऊंगी रोटी और दूध गर्म करूंगी एक साइड में, रोटी बनेगी एक साइड में। अब गौरव गेम खेल रहा है और दोनों छोरी गेम खेल रही थी ना, फिर शॉर्ट देख रही थी। ये पिटन का भरोसा सही, जो आदत पड़ रही है छोटियाँ की खेलने की कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं आईब्रो बनवा के आई हूँ। ये पता ना ज़्यादा पतली करती कि पीछा देगी है मनसो, घड़ी पतली करती नहीं यार, मैं तो ध्यान ना दियो या फिर भी सही देख के मोटी मोटी ऐसी सुखली सी काट दी तेन पार। अगली बार याद दिलाऊंगी इसने यू की कर दियो। है आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुल्फी मिक्स, बादाम पिस्ता वाली है और देखते हैं कैसी बनती है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम की है ये और आधा लीटर में बन जाएगी। मैंने दूध ले लिया है, उबाल भी लिया है और ठंडा कर लिया है। अब ये पाउडर डलेगा इसके अंदर। मैं भी पढ़ के ही आई, दोबारा और एक बार पढ़ लिया, दिखा इसमें दिखा क्या लिखा बेटा, उबाल कर ठंडा करके पैकेट मिला ली, कैच लिंक है जो भी आपको पास है। हां दिखा ना, चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बस अरे नहीं बनने, इसको अच्छे से मिलाएं जो कि गांठ करते ना रहे, कोशिश करूँगी पूरी जो
फिर इसके बाद उबालना है 15-20 मिनट। पाउडर है, पाउडर भी खुशबू अच्छी आ रही है, जैसे कुल्फी की आती है ना, सेम जैसे रबड़ी पी के आते हैं ना, रबड़ी वाली खुशबू आ रही है मंशु। इसके अंदर वो आधा लीटर दूध रह गया है। हाँ, आधा लीटर तो है, ज़्यादा ही है। तो यही लेके आ जाए, कुल्फी ऐसी अच्छी लगी तो बेस्ट है, पर ये महंगी पड़ रही है, ये थोड़ी सस्ती पड़ रही है। कितना की? 85 रेट ऐसा कुछ है इसका। तो वही बात पड़ जाती है ना। 40-40 के लाओ या इसकी लिया, ये आया ठीक है। देखते हैं टेस्ट कैसे आएगा, जैसे टेस्ट अच्छा लगा तो और बार में यही आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। जूस वाला बेटा शिक्षण धरिए, क्या करना करे जब कल खेर बनाना से जूस पीते जाओ नहीं कर दूध गर्म करके हो दूध दूध है तो जाए गर्मी कमाए ठंड कमाए जूस पीते जाना चाहिए, गर्म दूध तो ज्यादा पिया करे। अभी ठंड नहीं गर्मी हो रही है, गर्मी है ना। हाँ, तो इसलिए बोलती ठंडा दूध पीके जाना चाहिए, ठंडा जूस के बारे में बोल रही हूँ मैं, गर्मियों में ठंडा पिया करे, सर्दी हो तो गर्म पीके जाओ। आपने कहा गर्मी में ठंडा, ये पेस्ट हो गया है, ये मलाई दिख रही है, पिस्ता लटक रहा है। आप भी देखो कलर भी अच्छा आया है कुल्फी वाला बिल्कुल, और खुशबू भी इसकी बिल्कुल सेम है जैसे हम रबड़ी पीते हैं ना वैसे, ना कोई मीठा कुछ नहीं। अभी इसको हल्का मंदी गैस में गर्म करना पड़ेगा, ये गाढ़ा पेस्ट हो जाए। बेटी मेरे दूध को हिला रही है आइसक्रीम वाले को, और अब मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, और मैंने टांड भी साफ कर दी है, और फिर मैंने देखा दूध मतलब टेस्ट किया तो अच्छा लगा, और चीनी कम पड़ रही थी, मीठा मसाला दूध फालतू था इसलिए मैंने चीनी भी डाल दी इसमें। अगर मैं ऐसी बनाती रही तो मेरा काम करेगा फोन, मेरे बर्तन भी पड़े और मैं टांड भी साफ करने चून के ऊपर बैठ गई तू। ओह, साफ होगा रहा स्टैंड साफ होगी। हाँ, तो इसको एक घंटे को हिलाना पड़ेगा, किस कौन सी हिलाओगी दूध को, किया तो सुना क्या होता है। मैं इधर बर्तन धो लूँ गैस साफ कर लूँ, तो मेरे साथ साथ काम मिल जाए। मैं दही जमाने के लिए गर्म कर लिया था, अभी गर्म है तो गिलास में डालूंगी। मैं सोची आज लेके आऊंगी कुल्फी जमाने वाला डिब्बा, ये छोटे छोटे आते हैं ना बर्फ साइज की। हाँ, वे वाले पर मिले बर्फ वाली दुकान पर पूछा था, बर्फ वाली की दुकान पहुंचे या आइसक्रीम वाली, ये वो रखेंगे अच्छी चीजें बर्तनों के पास पाते हैं, जैसे बर्तन बेचते छोटे मोटे प्लास्टिक का सामान बेचते हैं उनके पास पाते हैं, ये अगली बार देखेंगे मिल जाए तो। और मेरे पेट में दर्द हो रहा है कंटिन्यू बीमारी